नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं किसी भी दोस्त में, किसी भी परिवार के सदस्य में, किसी भी कंपनी के स्टाफ में कौन सा एक ऐसा गुण होना चाहिए जो सबसे कीमती है, सबसे दुर्लभ है। कौन सा एक गुण किसी को सीईओ बनाता है, किसी को लीडर बनाता है, किसी पर इतना भरोसा पैदा कर देता है कि यार लाखों रुपए भी दे दो तो भी कोई सिक्योरिटी मत लो। वो सिंगल गुण, वो दुनिया का सबसे बड़ा गुण इंटेग्रिटी है। वो जो हर कंपनी तलाशती है, हर समाज तलाशता है, हर देश तलाशता है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी पीछे जाइए, आप देखेंगे चाहे तात्या टोपे हो, चाहे बाजीराव पेशवा हो, कोई भी राजा, कोई भी बड़ा सम्राट क्यों ना हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, किसने इनको मरवाया? उनके अपनों ने। घर का भेदी लंका ढाए, उनके अपनों ने दगा किया। लैक ऑफ इंटेग्रिटी, किसी लालच में आकर बेच दिया अपने राजा को। कभी कोई समाज को बेच देता है, कभी कोई कंपनी को बेच देता है, कभी कोई देश को बेच देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटेग्रिटी कैसा पैदा करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके भीतर इंटेग्रिटी है कि नहीं, वो कैसे टेस्ट करें। और दोस्तों, इंटेग्रिटी कभी इजी टाइम्स पर टेस्ट नहीं होती। देखिए, मैं इस वक्त कोने पर हूं, अब यहां पर मेरे सामने धर्म संकट है। मैं इधर जाऊंगा तो गिरूंगा, मैं इधर जाऊंगा तो गिरूंगा, मैं इधर जाऊंगा तो गिरूंगा। और जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त मैं शेकी हूं। इंटेग्रिटी हमेशा परीक्षा लेती है। इंटेग्रिटी एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई की स्थिति खड़ा कर देती है। इंटेग्रिटी छोटा नुकसान, बड़ा नुकसान खड़ा कर देती है। और आपको उस क्षण चुनना पड़ता है, क्या चुनूं? चलिए पहले आपकी इंटेग्रिटी टेस्ट करते हैं। यदि आपके संस्थान में कुछ गलत हो रहा हो, आप चुप रहेंगे कि मेरा क्या जाता है, मैं क्यों बाकियों से दुश्मनी लूं? या आप उस कंपनी के हित की रक्षा के लिए मैनेजमेंट को जाके बताएंगे और अपने निजी रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे? यदि आपका कोई अपना दोस्त, अपना खास साथी जो रोज उठता बैठता है कंपनी में, वो गलत कर रहा है, आप सही का पक्ष लेंगे, आप कंपनी को जाकर बताएंगे, या आप चुपचाप गलत को सहन करते रहेंगे? क्या करेंगे आप? यदि आपसे कोई गलती हो गई, सोच कर देखिए, आपकी टेस्टिंग चल रही है, यदि आपसे कोई गलती हो गई और किसी ने नहीं देखा, आप क्या करेंगे? चुपचाप आंखें बंद करके गलती छुपा लेंगे या जाकर स्वीकार करेंगे, हाँ मुझसे गलती हो गई। और ठीक उसी तरीके से कंपनी की भी इंटेग्रिटी टेस्टिंग होती है। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप आउटसाइड इनसाइड इफेक्ट के बारे में जानिए। क्या होता है आउटसाइड इनसाइड इफेक्ट? जब एक कंपनी किसी कस्टमर को मिसगाइड करती है, जब एक कंपनी किसी कस्टमर को चीट करती है, किसी क्लाइंट को चीट करती है, कमिटेड सर्विसेज नहीं देती है, पूरा पैसा ले लेती है और सोचती है वाह बढ़िया फायदा कमा लिया। कुछ स्टाफ को तो मालूम रहता है, पता है वो स्टाफ उस दिन का इंतजार करते हैं जब वो चीट कर सके। और आप तब सोचते हैं यार मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुमको हर फैसिलिटी दी। नहीं, वो आउटसाइड जो आपने किया उसका इनसाइड इफेक्ट अंदर आया। स्पाइरल इफेक्ट क्या होता है? जब आप कंपनी में किसी एक एम्प्लॉय के साथ गलत करते हैं, बिना नोटिस पीरियड का मौका दिए आप उसको हटा देते हैं, आप उसका कोई हक मार देते हैं, उसको अचानक फायर कर देते हैं, अपनी कंपनी के रूल्स किसी एक के लिए वायलेट करते हैं, निश्चित रूप से कुछ और एम्प्लॉय उस वक्त आपका साथ देते हैं, लेकिन उस वक्त एक स्पाइरल इफेक्ट खड़ा होता है। स्पाइरल इफेक्ट का मतलब उस दिन बाकी एम्प्लॉयज के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा किया जा सकता है, मेरे साथ भी ऐसा किया जा सकता है। और याद रखिए, इंडिविजुअल की इंटेग्रिटी नहीं होती, कंपनी की भी इंटेग्रिटी होती है। तो आज बड़ा प्रश्न यह है, अपनी कंपनी में इंटेग्रिटी कैसे खड़ा करें? तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बताया उस बेसिस पे खुद की इंटेग्रिटी को चेक करिए। उसके बाद आपको अपनी कंपनी की इंटेग्रिटी के लिए आज मैं जो एडवाइस देने जा रहा हूं वो आपने आज तक नहीं सुना होगा। आज अपनी कंपनी में, अपनी टीम में आप छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी, आज ही अपनी कंपनी में इंटेग्रिटी अवार्ड्स पैदा करिए, ताकि लोग जब कहीं कुछ गलत बताएं तो शेकी फील ना करें। भले ही सब कुछ हिलता रहे लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास रहे कि मेरा मैनेजमेंट मेरा साथ देगा। अपनी कंपनी में इंटेग्रिटी का अवार्ड पैदा करें। वो अवार्ड किसी चोरी को पकड़ने के लिए, वो अवार्ड किसी गलती को बताने के लिए, वो अवार्ड कहीं कुछ गलत हो रहा था उसको सामने खड़े होकर बिना निजी रिश्तों की परवाह किए रोकने के लिए, हाँ आपकी कंपनी में इंटेग्रिटी अवार्ड होना चाहिए। अपनी कंपनी में गोपनीय इंटेग्रिटी टेस्ट कीजिए।
कैसे टेस्ट करेंगे? कभी किसी एम्प्लॉय को आप कुछ कैश दे रहे हैं, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दीजिए, देखिए वो वापस लाता है कि नहीं। किसी एक कमरे में कोई कीमती चीज छोड़ दीजिए, देखिए कौन उसको उठाता है और बाद में उठाने के बाद लोग उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं। सोच कर देखिए कि किसी दूसरी कंपनी से अपने ही एम्प्लॉय को आप एक अपॉइंटमेंट लेटर भेज दीजिए और उसको बोलिए कल ही ज्वाइन करना है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने ही एम्प्लॉय को एक दूसरी कंपनी के नाम से झूठा अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं इंटेग्रिटी टेस्टिंग के लिए, और उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि कल यदि आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी, और फिर देखिए क्या वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट से यानी कि आपसे आके अपनी बात कहता है या चुपके से आपको अंधेरे में रख के उस कंपनी को ज्वाइन कर जाता है। यदि वो ऐसा कर गया तो इसका मतलब उसमें इंटेग्रिटी की कमी है, और यदि उसने इस बात की परवाह की कि नहीं मेरी कंपनी ने आड़े वक्त में मेरा साथ दिया, राइट टाइम पर मेरी सैलरीज रिलीज की, मेरी कंपनी ने हमेशा कहा कि मुझे निकालने के पहले नोटिस दिया जाएगा, एक महीने का वक्त दिया जाएगा, दो महीने का वक्त दिया जाएगा, और ऐसा ही मेरी कंपनी ने सबके साथ किया है, जब आपका एम्प्लॉय ये स्वीकार करता है उसी क्षण वो इंटेग्रिटी अवार्ड का हकदार हो जाता है, और जब आपका एम्प्लॉय आपको अंधेरे में रखने का निर्णय ले लेता है उसी क्षण आप समझ लेना कि किसी ना किसी दिन वो आपको धोखा दे सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पहली चीज मैंने बताई इंटेग्रिटी अवार्ड्स, दूसरी चीज मैंने बताई इंटेग्रिटी टेस्ट, और तीसरी चीज इंटेग्रिटी ट्रेनिंग सेशंस। अपनी कंपनी के अंदर बार बार इंटेग्रिटी की बात कीजिए, इंटेग्रिटी के एग्जांपल्स को हाईलाइट करिए। जिस प्रकार आप हमारे जैसे ट्रेनर्स को बुलाकर टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग करते हैं, आप बिजनेस की ट्रेनिंग करते हैं, उसी प्रकार हम जैसे लोगों को बुलाकर आप इंटेग्रिटी की ट्रेनिंग करिए। अपने एम्प्लॉयज को अखंड, चाहे कितना ही शेकी ग्राउंड क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना हिले, वो डटा रहे, उसको पता है ये जो भी शेक होने का वक्त है ये टेम्परेरी है, ये चला जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, और उसके बाद मुझे मेरी इस इंटेग्रिटी के लिए अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। अपनी कंपनी में इंटेग्रिटी के एग्जांपल्स क्रिएट कीजिए, अपने आप नहीं होते तो आगे बढ़कर क्रिएट कीजिए, और जिस दिन आपका टॉप मैनेजमेंट, जिस दिन आपकी कंपनी के कुछ लोग, जिस दिन आपकी कंपनी का एक छोटा प्यून, एक छोटा पेंट्री में पानी पिलाने वाला व्यक्ति, जिस दिन उसके भीतर इंटेग्रिटी आ जाएगी ना, समझ लेना आप वो कल्चर पैदा करने में सफल हो गए जिस कल्चर की हर किसी को तलाश होती है। मैं भारतीय हूँ, मैं जब भी इतिहास को पलट कर देखता हूँ मैं हमेशा एक सवाल मन में पाता हूँ कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकती है, महज कुछ हजार लोग ही तो थे, वो इंडिया है, हमारे अपने लोगों को तोड़ा मोड़ा खरीदा है, हमारे अपने लोगों में भेद किया और हमारे पर राज किया, महज कुछ हजार लोगों ने मिलकर करोड़ों के देश पे कब्जा कर लिया। अरे वो कर सकते हैं क्योंकि हमारे में इंटेग्रिटी की कमी है, वो कर सकते हैं क्योंकि हमारे घरों में इंटेग्रिटी नहीं सिखाते, वो कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्कूल इंटेग्रिटी नहीं सिखाता, वो कर सकते हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में इंटेग्रिटी मॉरल साइंस के नाम पे केवल एक दिखावे का पाठ्यक्रम होता है, वो कर सकते हैं क्योंकि हमारा समाज इंटेग्रिटी को रिवॉर्ड नहीं करता, वो कर सकते हैं क्योंकि हमारा शासन इंटेग्रिटी को रिवॉर्ड नहीं कर सकता। यदि देश को बदलना है, यदि कंपनी को बदलना है, तो सबसे पहले आज अभी इसी पल खुद को बदलना होगा। और मैंने कहा शुरुआत में, आपको बताया कैसे खुद की इंटेग्रिटी टेस्ट करेंगे, पहले अपने अंदर इंटेग्रिटी पैदा कीजिए, फिर अपने परिवार के अंदर इंटेग्रिटी पैदा करिए। झूठ बोलने पर और फायदा लाने पर या सेल्स लाने पर लोगों को रिवार्ड दें वो एक बात है, लेकिन सच बोलने पर, सच का सामना करने पर, विपरीत परिस्थिति एज थी जहां पर कोने में संकट था, उस जगह भी दृढ़ होकर सही बात रखने पर लोगों को रिवार्ड करिए। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, फिर कभी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पे कब्जा नहीं करेगी, फिर कभी कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी के सीक्रेट्स नहीं बेचेगा, फिर कभी कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी से धोखाधड़ी नहीं करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, फिर कभी कोई मैनेजमेंट प्रोडक्ट लेवल पर चीट नहीं करेगा। सिर्फ एक बात कह रहा हूं, हर एम्प्लॉय, हर बिजनेस ओनर, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक गुण के लिए अपने आप को कमिट कर दे, इंटेग्रिटी, बाकी सारे गुण पीछे अपने आप चले आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचाओ तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, 400 से ज्यादा असाधारण वीडियो
लाइफ और बिजनेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहां अवेलेबल है। और यदि उज्ज्वल पाटनी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन दबा देना, नहीं तो वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और एक बात और भूलना मत, 48 आवर्स पहले उज्ज्वल पाटनी शो स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करके ऑडियो का आनंद जरूर लें और दूसरों की दुआएं लेना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके वेंडर, आपके सप्लायर, आपके बायर, आपके चैनल पार्टनर वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद देखें, अपनी टीमों को दिखाएं ताकि कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी का सम्मान शुरू हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार।